हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाजिया कनेक्ट्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ रोस्टेड चिवड़ा। ये बहुत ही यमी सा खट्टे मीठे टेस्ट का स्नैक होता है और इसे हम तैयार करते हैं पोहा से, जिसे कई बार हम चूड़ा या चिवड़ा भी कहते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ काफी अच्छी होती है, तो आप इसे बना के अपने साथ ट्रैवल में भी ले जा सकते हैं और किसी ओकेजन या फेस्टिवल से पहले बना के स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस फेस्टिव सीजन आने वाले हैं चैनल पे बहुत ही यमी यमी और नए तरह के रेसिपीज। सबसे पहले हम पोहा रोस्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है थिन पोहा। पोहा कई बार चूड़ा और चिवड़ा के नाम से भी बाजार में मिलता है, तो आप जिस नाम से भी इसे जानते हैं आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कप थिन पोहा और इसे हम मीडियम लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। और इसे रोस्ट करने के लिए हमें किसी घी तेल की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही बिना किसी घी तेल के भी बहुत अच्छा रोस्ट हो जाता है। तो बस आप इसे बीच में एक दो बार चलाते रहें ताकि ये इवनली रोस्ट हो, और ध्यान रखें कि ये जले नहीं। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये रोस्ट होता जाएगा इसका टेक्स्चर थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो जनरली जो पोहा होता है वो फ्लैट होता है, इसीलिए इसे फ्लैटेंड राइस भी कहते हैं, मगर जब वो गर्म होगा तो थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट होना शुरू हो जाएगा और हल्का कलर भी चेंज होने लगेगा। तो बस आप उस स्टेज तक इसे रोस्ट कर लें। एक और टेस्ट जो होता है जिससे पता चल जाता है कि पोहा अच्छे से रोस्ट हुआ है, कि जब आप पोहे को इस तरह से क्रश करेंगे तो वो बिल्कुल पाउडर हो जाएगा। तो ये इस तरह से पाउडर हो रहा है, यानी कि अच्छा रोस्ट हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे किसी प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। तो अब मैं इस पोहे को इस पैन से निकाल के इस प्लेट में डाल के ठंडा कर लेती हूँ। प्लेट में डालना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि अगर हम इसे पैन में छोड़ देंगे तो ये फर्दर हीट होता जाएगा, जिससे पोहा जल सकता है। और अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में तेल लिया है, तेल को गरम कर लेंगे और इसमें फ्राई करेंगे कुछ नट्स। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबलस्पून किशमिश, 1 टेबलस्पून रोस्टेड चना दाल। ये कई बार मार्केट में दलिया के नाम से भी मिलती है, वैसे ये रोस्टेड चना दाल होती है। 1 टेबलस्पून ही मैंने लिया है आलमंड, जिसे मैंने बीच से काट लिया है, 1 टेबलस्पून कैशियो और 1 टेबलस्पून पीनट्स। और अब इन सब चीज़ों को हम तेल में फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले हम पीनट्स फ्राई कर लेंगे, क्योंकि पीनट्स को फ्राई होने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर उसमें पीनट्स डाल दें। 2 से 3 मिनट्स में ये पीनट्स हल्के हल्के फ्राई होना शुरू हो जाएंगे। पीनट्स जब ऑलमोस्ट फ्राई हो जाए तो इसमें ऐड कर देंगे आलमंड्स। आलमंड्स को फ्राई होने में कम टाइम लगता है, तो जितनी देर में पीनट्स पूरी तरह से फ्राई होगा आलमंड्स भी फ्राई हो जाएंगे। अच्छा, आप चाहें तो दोनों को अलग अलग से भी फ्राई कर सकते हैं, पहले पीनट्स फ्राई करके निकाल लें और फिर आलमंड्स डाल लें। अब ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो इन्हें निकाल लेते हैं। पीनट्स और आलमंड इस तरह से फ्राई करने में आपको 3 से 4 मिनट लगेगा। अब इसी गरम तेल में हम ऐड कर देंगे ये चना दाल, जो रोस्टेड चना दाल हमने लिया था 1 टेबलस्पून। और अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो तो आप फ्लेम ऑफ कर दें, क्योंकि चना दाल बहुत जल्दी ही लाल हो जाती है। जैसे ही चना दाल का कलर चेंज होने लगे आप इसमें ऐड कर दें कैश्यू। कैश्यू और चना दाल आप एक साथ बिल्कुल आराम से फ्राई कर सकते हैं। जैसे ही इनका कलर चेंज होने लगे आप फ्लेम ऑफ कर दें, क्योंकि ये बहुत जल्दी डार्क हो जाएंगे। और अब इन्हें कढ़ाई से निकाल लेंगे और अब फाइनली फ्राई करेंगे ये किशमिश। तो किशमिश फ्राई करने के लिए मैंने फ्लेम ऑफ ही रखा है, क्योंकि तेल काफी गर्म है, तो इतना गर्म तेल काफी होगा किशमिश को फ्राई करने के लिए, हमें इस स्टेज पे फ्लेम ऑन करने की जरूरत नहीं है। किशमिश कुछ 30-40 सेकेंड्स में ही फ्राई हो जाते हैं, इसलिए बस इन्हें तेल में डालें, एक दो बार चलाएं और फिर निकाल लें। सारे नट्स फ्राई हो गए हैं, तो अब हम चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो अब सब चीज़ें हमें मिलानी है और फ्लेवर करना है, तो इसके लिए मैंने कढ़ाई ली और इसमें ऐड करी हूँ 2 टीस्पून ऑयल। अब हमें बस 2 टीस्पून ऑयल की ही ज़रूरत है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें ऐड करेंगे अराउंड 2 पिंच हींग। और अब इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 कड़ी पत्ता और 2 से 3 हरी मिर्च बीच से कटी हुई। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च जैसे ही स्प्लटर करने लगेगी हम इसमें ऐड कर देंगे ये कड़ी पत्ता। हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, इन सब से चिवड़ा का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत ही एरोमेटिक और टेस्टी बनता है ये चिवड़ा। 30-40 सेकेंड्स के लिए हम इन सब चीज़ों को अच्छे से तेल में फ्राई कर लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हैंडफुल ऑफ रोस्टेड मखाना। तो ये मखाना पहले से मैंने रोस्ट करके रखा हुआ था। मखाना चिवड़े में डालना ऑप्शनल है, बट इससे टेस्ट भी अच्छा होता है और हेल्थ वैल्यू भी बढ़ जाती है। मखाना काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, इसलिए मैं चिवड़े में इसे हमेशा ऐड करती हूँ। मखाना रोस्ट करने की टेक्निक मैंने अपने मखाने के खीर की रेसिपी में शेयर की थी, ऊपर आई कार्ड में मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप उसे भी चेक कर सकते हैं।
मखाना पहले से ही रोस्टेड है तो हम बस इसे सभी चीजों के साथ 30-40 सेकंड्स के लिए मिला लेंगे। मखाना भी अब अच्छे से हो चुका है तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी। तो मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर रही हूँ। हल्दी को एक बार मिक्स कर लेंगे और अब इसमें ऐड कर देंगे जो चिवड़ा हमने रोस्ट करके रखा है। चिवड़ा ऐड करने से पहले आप फ्लेम को लो मीडियम कर लें। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो नट्स हमने फ्राई करके रखे हैं। आप चाहें तो नट्स के साथ कोकोनट भी फ्राई करके डाल सकते हैं। मेरे पास आज कोकोनट नहीं था इसलिए मैं यहाँ पे कोकोनट नहीं ऐड कर रही हूँ। अगर आपको पसंद है और आपके पास है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक स्पैचुला और फोर्क की मदद से सभी चीजों को मिक्स कर रही हूँ। और जैसे जैसे हम इन्हें मिक्स करते जाएंगे और हल्दी पकती जाएगी, चूड़े का जो कलर है वो येलो पे आने लगेगा। अगर आपको ज्यादा येलो पसंद है तो आप हल्दी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ये मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और अब बारी आती है इसमें कुछ फ्लेवर्स और ऐड करने की, इसे चटपटा बनाने की। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूं अराउंड 1/2 टीस्पून काला नमक यानी कि रॉक सॉल्ट, और साथ ही ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून शुगर। अगर आपके पास मोटी शुगर है तो आप शुगर को पीस के इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार इसे लाइट हैंड से मिला लें, बहुत ज्यादा इसे ना मिलाएं क्योंकि चूड़ा क्रिस्प है और वो टूट सकता है, इसलिए इसे बहुत लाइट हैंड से स्टर करें। मिलाने के बाद आप इसे एक बार टेस्ट कर लें। अगर आपको नमक या चीनी कम या ज्यादा लग रही है तो उसी हिसाब से एडजस्ट कर लें। जैसे कि मुझे ये ज्यादा मीठा पसंद है तो मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून शक्कर का और इस्तेमाल कर रही हूँ। मिक्स इट लाइटली वंस मोर। और अब ये फाइनल और मोस्ट चटपटा थिंग, मैं इसमें ऐड करती हूँ अराउंड 1/4 टीस्पून चाट मसाला। आप किसी भी कंपनी का चाट मसाला ले लें, इसे डालने से इसमें एक अलग सी टैंगीनेस आती है और बहुत टेस्टी लगता है। चाट मसाले को भी हम मिक्स कर देंगे और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद हम इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो आप इसे किसी एयर टाइट डब्बे में स्टोर कर सकते हैं। और ये हमारा शानदार सा चिवड़ा तैयार है जिसे हमने घर में बनाया है हेल्दी इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही कम तेल के साथ। तो एक बहुत अच्छा स्नैक्स है, फेस्टिव सीजन में भी इस स्नैक की खूब डिमांड होती है। तो इस फेस्टिव सीजन इस हेल्दी स्नैक को बनाएं घर में और एंजॉय करें। इसकी शेल्फ लाइफ काफी अच्छी होती है, आप इसे 3 से 4 वीक तक स्टोर कर सकते हैं। वो और बात है कि ये इतना टेस्टी होता है कि 3 से 4 वीक तक ये चलता नहीं है, बहुत जल्दी आप इसे खत्म कर देंगे। तो इस टेस्टी सी रेसिपी को जरूर ट्राई करें, अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।